तो अभी से 2-3 घंटे पहले जो कि है मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि मैं कुछ बड़ा आने वाला है आज, कुछ हमारी कम्युनिटी में जो कि कुछ नया होने वाला है, तो वो यही था। और काफ़ी सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स जो कि है मुझे इस वीडियो में करनी है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और साथ में एक छोटा सा Q&A नहीं है जो कि मैंने कम्युनिटी टैब में करने की कोशिश की थी, बट क्वेश्चन थे और आंसर का जो कि है वो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूँ अरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले जो कि अनाउंसमेंट है वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारी कम्युनिटी में फेस कैम वाली वीडियोस नहीं आती, तो अब मैं जो कि है फेस कैम वाली वीडियोस करने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले किया था कि मैं वीडियोस बनाता था WWE की 2-3 दिन में, और ये मैंने 20-22 दिन किया है, तो वो जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता था करना, बिकॉज 2-3 वीडियोस यार दिन की निकाल पानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर बाई चांस कोई निकाल भी लेता है तो यार इतनी सारी न्यूज़ नहीं होती कवर अप करने के लिए, और एक चीज़ को बार बार कर पाना, और जिस टाइप का मैं तो न्यूज़ देता भी नहीं, तो खास करके मेरे लिए तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैंने वो चीज़ें छोड़ दी और मैं न्यूज़ नहीं देता। यहाँ पे आपको WWE के जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वीडियोज़ जो कि हैं वो डेली आएंगी, पर ये वाली वीडियो डेली आएगी वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट अगर डेली नहीं आ पाई तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि वॉइस ओवर वाली ही दोबारा से आ जाए, बट मैं कोशिश करूंगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इस टाइप की वीडियो करनी चाहिए या फिर पहले वाली वीडियोस ही अच्छी थी। तो ये तो थी जो कि मेजर अनाउंसमेंट, उसके बाद हम कर लेते हैं WWE की या फिर पर्सनल भी कह सकते हैं Q&A, जो कि आप लोगों ने कम्युनिटी टैब में मुझसे क्वेश्चन पूछे। तो जो कि कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था वो अब से 2 घंटे पहले किया था, और 2 घंटे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए। मैं मेन जो कि बढ़िया क्वेश्चन नॉन रिपीटेड है वो लूँगा। सबसे पहले जो कि है मनोज दुबे, इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे, जो कि इनका सबसे पहला क्वेश्चन है, रेसलमेनिया 35 में रोमन रेंस मेन इवेंट करेंगे? तो यार रेसलमेनिया 35 तो बहुत दूर है और कुछ भी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, बट फॉर एन एग्जांपल अगर हम लें तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो कि टीज्ड मेन इवेंट हो सकता है वो अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना हो सकता है, बिकॉज उसमें जो कि अंडरटेकर की जो कि है हमें रिटायरमेंट में कह सकता हूँ शायद वो देने को मिल सकती है, इस वजह से WWE से मेन इवेंट में रखने वाली है। पर अभी के लिए रूमर्स हैं, कुछ भी कन्फर्म नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ उन्हें रिटायर होना चाहिए या फिर नहीं। तो इनके अगले क्वेश्चन के बाद बात कर लेते हैं, तो वो ये कह रहे हैं आप कभी USA गए हो WWE देखने? नहीं भाई, मैं तो कभी USA नहीं गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो वो इनका जो कि क्वेश्चन है वो WWE अभी रो अच्छा है या स्मैकडाउन? तो यार मेरे हिसाब से इस टाइम पर रो अच्छा है, बिकॉज स्मैकडाउन वैसे काफ़ी अच्छा है, मुझे स्मैकडाउन का कलर और सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, बट स्मैकडाउन में सिर्फ एक प्रॉब्लम है रोस्टर, और दूसरी बात स्टोरी लाइन्स के उनके पास काफ़ी ज़्यादा कमी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर उनका, जो कि है आपका सेकंड चैनल में कब आएगा और उसका नाम और कुछ रख दो? तो मतलब वीडियो के बारे में बात करें तो वीडियो हर थर्सडे आती है, इस थर्सडे भी जो कि वीडियो है वो आ जाएगी, और इन्होंने पूछा है नाम कुछ और रख दो। भाई मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, बट अभी कस्टम URL मिल चुका है, और वो URL जो कि कुछ इस तरीके से youtube.com/harmanbathon, तो अब मैं उसे चेंज करूँगा तो बहुत ज़्यादा इशूज़ हो जाएंगे, तो नाम चेंज करवाना मुश्किल है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि Tyler911 है, इनके क्वेश्चन है ये विष्णुकांत शुक्ला काफ़ी पुराने टाइम से फॉलो करते, तो इनके बारे में बात कर लें। तो इन्होंने कहा है योर सेकंड चैनल इज़ टू बैड, यार अगर तुझे वाइंस और कॉमेडी का शौक है तो इस चैनल पे वीडियो बाल लिया कर बीच बीच में, बट एट द टाइम यू आर ऑसम, बीच में थोड़ा बेकार था बट अब सही है। थैंक यू भाई, वैसे मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेता नहीं, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं और ये अच्छे के लिए ही बता रहे होंगे, यार मुझे पता है स्टार्टिंग में ये अच्छा नहीं था, और ये वाइंस नहीं कह सकते एक्जैक्टली, ये फनी वीडियोस टाइप है, तो मैंने स्टार्टिंग में कोशिश तो की थी, बट फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर आप करोगे प्रैक्टिकली तो आपको पता लगेगा, बट अब टाइम पर थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, फ्यूचर में 5-6 महीने तक प्रॉपरली सेट हो जाएगा, अभी तक हम सीख ही रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सागर पांडे की तरफ से, छोटा भीम वर्सेस ब्रॉक लेसनर कब होगा? तो भाई छोटा भीम वर्सेस ब्रॉक लेसनर चाहे आज करवा लो 2K18 में, बट मेरे हिसाब से रियलिटी में हो पाना तो बहुत मुश्किल है, पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया था आपका। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो वो की है ताहिर पटेल का, भाई क्या जॉन सीना रेसलमेनिया 35 से पहले हील टर्न करेंगे? और इन्होंने थम्स अप दिए, थैंक यू भाई थम्स अप के लिए। और मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 35 से पहले जॉन सीना का हील टर्न हो पाना मुश्किल है, बिकॉज अभी तक कोई मेजर स्टोरी लाइन उनके रेसलमेनिया 35 से पहले दिखती नहीं है। तो मनोज कुमार कहते हैं UFC के भी वीडियो बनाया करो। भाई सीरियसली बताऊँ मैं UFC बहुत कम देखता हूँ, कभी कभी बेयरली कोई बड़ी जो कि फाइट्स होती हैं वो देखता हूँ, चैंपियनशिप्स वाली देखता हूँ जैसे लोग रेसलमेनिया देखते हैं, वैसे मैं UFC के स्पेशल इवेंट्स ही देखता हूँ, ज़्यादा नहीं देखता, इस वजह से मुश्किल है, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है उसके बारे में। शहनेश कुमार जो कि हैं वो कह रहे हैं आप WWE 2K गेम्स खेलते हो और अगर खेलते हो तो किस कंसोल पे? भाई मैंने 2K की कोई भी सिंगल गेम, 2K के WWE की पेन से लेकर 2K18 तक कोई भी गेम मिस नहीं की, और मैं प्ले स्टेशन पर खेलता हूँ, पहले प्ले स्टेशन थी
आई थिंक प्ले स्टेशन 2 थी, फिर उसके बाद 3 आई और 4, इस टाइम मैं 4 पे खेलता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो वो की है सेसो सेसो का, भाई WWE फिर कब इंडिया में इवेंट करेगी? रेसलमेनिया वगैरह जैसे इवेंट हो पाने तो बहुत मुश्किल है, बट जैसे कि लाइव इवेंट वगैरह WWE डेफिनेटली करने वाली है, और वो हर साल तो आते ही रहेंगे अभी तक के लिए जो है। अभी रोमन रेंस क्वेश्चन पूछो, रोमन ये वो वाले रोमन रेंस नहीं है, पर इनका क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट WWE रेसलर एंड डू यू वॉच एनी अदर रेसलिंग प्रमोशन? WWE से अलावा मैं बहुत कम देखता हूँ, NJPW कभी कभी देख लेता हूँ, ROH तो बिल्कुल कम, TNA देखता था, अब तो महाबलेश्वर भी चला गया, कोई देखने का कारण भी नहीं है, और फेवरेट रेसलर मेरे डीन एम्ब्रोस हैं। बर्न इट डाउन ने क्वेश्चन पूछा है, भाई डीन एम्ब्रोस कब वापस आएंगे, उसके ऊपर एक वीडियो बना दो और काफ़ी सारे हंसने वाली इमोजेस। मेरे हिसाब से अब जो कि डीन एम्ब्रोस की रिटर्न है वो एक रहस्य बन के रह चुका है, बट वो सरप्राइज रिटर्न करने वाले हैं WWE में, और वो जल्दी हो सकती है, इस वजह से सरप्राइज रिटर्न के कोई भी रूमर्स देखने को नहीं मिल सकते। सॉरी यार, इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है प्लान्स फॉर जॉन सीना आफ्टर ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल इन 2018। जो कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल 2018 था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था जॉन सीना के लिए, बट अभी मेरे हिसाब से कोई प्लान्स नहीं दिख पा रहे, बिकॉज मेरे हिसाब से जॉन सीना अभी तक तो ब्रेकअप से भी ओवर नहीं हुए, तो वो शायद WWE में अभी फुल टाइम रिटर्न जल्दी नहीं करेंगे। तो SSC गेमर प्ले पूछ रहे हैं, वो इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? तो मेरे फेवरेट यूट्यूबर 2-3 हैं, मोबाइकर, निखिल, फ्लाइंग बेस्ट एंड राउंड टू हेल। और उसके बाद वर्ल्ड इंडिया पूछ रहे हैं, भाई आप इन्फिनिटी वॉर देखी? भाई मैंने फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखा, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मार्वल का, WWE जितना ही दोनों का, मैंने एक बार कॉमिक्स चैनल बनाने का भी सोचा था, बट आइडिया काम नहीं करा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि क्लैश विद सोजल जो कि है, उन्होंने पूछा है आपने यूट्यूब का चैनल जो कि है WWE क्यों खोलने का सोचा? तो मैंने ये खोलने का जो कि स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए नहीं सोचा था, बस पहले मैं इंग्लिश में बनाता था, मैंने 2-3 चैनल देखे थे तब के टाइम पर, रेसलिंग हिंदी खबर जिसको कि आप जानते हो, पहले उस टाइम पर WWE हिंदी खबर के नाम से वो चैनल होता था, और गेम ऑफ इनिंग, ये दो चैनल थे, तो मैं इन दोनों को देखता था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं हिंदी में बनानी शुरू कर दी, हिंदी में बनाई, इंग्लिश में बंद कर दी, हिंदी वाला चल गया, और इस तरीके से ये चैनल चल रहा है। तो और जो कि लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, इसके बारे में क्या कहने की जरूरत है, Why do I hate Roman Reigns? क्या सही में मैं Roman Reigns को हेट करता हूँ? अरे नहीं यार, बिल्कुल गलत है, मैंने बहुत बार बता दिया है मैं किसी से हेट नहीं करता, अगर मैं फॉर एग्जांपल हेट करता भी हूँ तो वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी और एक बहुत बड़े नाम है, तो उनको डीफेम कर पाना एक छोटे से चैनल के हिसाब से बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाली बात है। और जो कहते हो मेरे हिसाब से, खुद तो सोचो यार, एक इतना बड़ा जो कि सेलिब्रिटी है और मैं उसे डिफेम कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज इतना बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग ऑलमोस्ट सारा इंडिया उनके पीछे है, और मेरे अभी तक 1,00,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, होने वाले हैं वैसे, तो यार मैं नहीं हेट करता। और ये सब जो कि कॉन्स्पिरेसी फैलानी बंद करो यार, छोड़ो ये सब कुछ, प्यार से जो कंटेंट देता हूँ वो देखो, प्यार देते हो और सपोर्ट करते हो तो यार बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसे कमेंट्स पूछते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है, बिकॉज एक चीज़ तो मैं करता हूँ और ऊपर से आप मुझे थोप रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है, और मैं नहीं करता बिल्कुल भी, तो ये बात तो क्लियर है, जो जो देख रहे हैं समझ जाओ यार। तो बहुत दूसरी वीडियो देखने के लिए यहाँ तक वीडियो देख लिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो, हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट कर लो, फेसबुक पेज को लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और ट्विटर पर भी देख लो। तो आप देख रहे हैं रसल गुरु, और मैं हूँ अरमन।